कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शाम के बज गए हैं 4 और चलते हैं। मैं चल रही हूँ, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो चलते हैं, चाय बनाते हैं और साथ में कुछ नाश्ता। तो गाइस, यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ, और मैं दूध जिसमें बनाया जाता है उस बर्तन में दूध डाल दे रही हूँ, और वह मैं फूंक रही थी ताकि मलाई हट जाए, तो दूध डाल दूँ, मलाई ना गिरे चाय में, चाय के दूध में। तो वही मैं इंडक्शन को 300 पे सेट कर रही थी। तो गाइस, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था दूध, तो मैं और ले रही थी, ले ली हूँ मैं थोड़ा सा, और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रही थी क्योंकि लंबा हो जाता वीडियो, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं चाय पत्ती ले लूँगी, चाय पत्ती ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन मुझे जितना चाहिए था उतना डिब्बे में थी। ख़त्म क्या मतलब, कहीं रखा हुआ था दूसरे बॉक्स में, तो उसमें से निकालना पड़ता, और मुझे जितना चाहिए था मुझे मिल गया, तो मैं इसलिए नहीं निकाली। यहाँ पे मैं, ये मेरा चीनी का डब्बा बनाया गया है, इसमें लवंग और इलायची डाला गया था, तो मैं उसी को बचा बचा के थोड़ा सा डाल रही थी, क्योंकि लवंग इलायची चींटियों का मौसम है, तो इस वजह से लवंग इलायची डाली गई है, और उसको डालने से चींटियाँ नहीं पड़ती हैं चीनी में। तो वही मैं सबके हिसाब से, 3 लोग हैं दादी, 4 लोग हैं दादी, बड़ी मम्मी और मैं, तो मैं उनके हिसाब से डाल दे रही थी। और फिर मैं तुलसी लेने चली गई। गाइस, मेरे यहाँ तुलसी और अदरक का डाल के ही चाय मतलब बनती है, और दूध पूरी दूध की नहीं बनती है, जैसे थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है दूध में, तो चाय थोड़ी वो अच्छी हो लगती है। उसको मिलाने से, पानी डालने से थोड़ा स्वाद अच्छा आता है, नहीं तो जैसे कितना भी चाय पत्ती डाल लो तो चाय कड़ी नहीं होती, या थोड़ा मुझे कड़ी चाय पीने की आदत है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ। ये देखिए, 2 तुलसी, रामा श्यामा, एक थोड़ी सांवली है और एक थोड़ी गोरी है, कहते हैं ऐसा। तो गाइस, मैं तुलसी का पत्ते लेके आ गई हूँ, तो मैं वीडियो में नहीं डाली थी, चाय हमारी मैं बन डाल दी गई है। हूँ चाय में अदरक और तुलसी का पत्ता। देखिए गाइस, कलर कितना बढ़िया आ रहा है, कितना अच्छी लग रही है चाय। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोची भेलपूरी बनाऊँ, तो मैं लाई ले ली थी और नमकीन ले ली थी, देख रहे हो आप, और मैं 2-3 प्याज ले ली थी, तो मैं वही काट रही थी, और प्याज काट लूँगी, मिर्च काट लूँगी, और थोड़ा सा तेल डाल लूँगी, थोड़ा सा खटाई डाल लूँगी हल्का सा, और गाइस सेंधा नमक डालूँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने नमक कम यूज़ करने के लिए बोला है, तो इस वजह से मैं ना वाइट नमक जो होता है नहीं खाती, वाइट साल्ट होता है ना, नहीं खाती मैं, और ब्लैक साल्ट वो भी नहीं खाती, सेंधा नमक बोलते हैं कि सही रहता है, तो इस वजह से मैं सेंधा नमक का ही अपने लिए यूज़ करती हूँ। तो बड़ा पैकेट जैसे अजीब सा हो जाता है, तो मैं छोटे छोटे पैकेट मंगवाती हूँ, छोटे वाले, तो मैं वही सारी चीज़ें डाल दी हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा वो डाल रही हूँ, तेल डाल रही हूँ, और उसके बाद दोनों हाथों से अच्छे से मिला लूँगी। थोड़ी सी लाई गिर गई है क्योंकि बर्तन छोटा पड़ रहा था, तो मैं वीडियो थोड़ा कट कर दी, नहीं तो मैं अच्छे से मिला रही थी, मैं वीडियो लंबा होता है, इस वजह से मैं वीडियो कट कर रही थी, कर दी थी थोड़ा बीच में। देखिए गाइस, मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ, अपनी बड़ी मम्मी को दे दूँगी और दादी को दूँगी, और वैसे भी देखो थोड़ा सा रखने पे एकदम कम हो जाता है, कितना भी बनाओ कम हो जाता है, और पता भी नहीं चलता है इसको खाने से। तो दादी के लिए भी निकाल लूँगी, मैंने बता रही थी ना, मैं वीडियो कट कर रही थी, कर दी थी, तो मैं पूरा नहीं दिखाई, तो
मैं सबके लिए निकाल ली थी। यहाँ पे चाय हो पक गई है मेरी, और अब मैं चाय को छान लूँगी। ये कटोरी है, कटोरी में मैं दादी को दूँगी और ग्लास में अपने और बड़ी मम्मी को दूँगी। मम्मी मेरी चाय गई है मार्केट, तो इस वजह से मैं उनका चाय रख दूँगी ढक ढक के, ताकि आएंगी तो मैं गर्म करके दे दूँगी। अभी आ जाएंगी जल्दी ही, आधे आधे घंटे में। तो मैं दादी को चाय दे के आ रही हूँ और अपनी चाय रखी हूँ यहाँ पे। गाइस अभी आपको दादी दिखेंगी चाय पीते हुए। यहाँ पे देखिए, भेलपूरी खा रही है और चाय पी रही है। ये मेरी बड़ी मम्मी है, भोला और भोला बड़ी मम्मी भी खा रही हैं। मैं सबको दे दी हूँ, मतलब कुछ शाम को नाश्ता चाहिए होता है। ये देखिए मेरे घर का, ये तुलसी देख लीजिए गाइस, यही है रामा श्यामा। मोर देखिए, मेरे घर के सामने मोर भी आया हुआ है। काफ़ी अच्छा व्यू लगता है। मैं छत पे आ गई थी चाय पीने के बाद, थोड़ा सा टहलते हुए, तो यहाँ पे भेड़ चराने भेड़ वाले आए थे, चराने तो वाले वही भेड़ चरा रहे थे। आए हैं, भेड़ चरा रहे तो हैं। मैं सोची थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। ये मेरा पीछे ये मेरी मेरा लैट्रिन लैट्रिन बाथरूम है, बाथरूम है। और अंदर भी है। रात में जैसे अंदर बाहर नहीं जाना हो और अंदर ही यूज़ करना हो, तो लैट्रिन बाथरूम है। और बाहर भी बना हुआ है, 3 लैट्रिन और 1 बाथरूम, 2 कमोड वाले हैं और एक ऐसे है। और ये पानी देखिए की व्यू अच्छा टंकी। लग रहा है ना गाइज ये। ये देखिए, शाम को सूरज ढल रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मैं सोची थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, लेकिन मैं चोरी से कैप्चर कर रही थी, बिकॉज़ घर के पीछे घर है और भी, तो और मैं सोच रही थी कोई देखे ना, क्योंकि बातें बना बहुत बनाते हैं सब लोग। ये तो समझते नहीं है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। यही कहेंगे कि अभी कितना दिन हुआ है, देखो सस धस के ऐसे वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। किसी की प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। वैसे भी गांव में तो और बातें बनाते हैं सब लोग, तो इसीलिए मैं चोरी से कर रही थी वीडियो। बाद में भले पता चले सबको मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा नहीं पता जनवाना चाहती। ये देखिए घर के अगल बगल का सारा व्यू। इसी के साथ तो चलती हूँ मैं गाइस ब्लॉग के एंड। मुझे लग रहा है अब मुझे ब्लॉग का एंड करना चाहिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, लव यू लॉट्स।